तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएटी के पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये वीडियो पार्ट टू है, इसका पार्ट वन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके पार्ट वन को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया भी गया है। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्रेरियन बीएचयू। तो आज के इस टॉपिक में हम पीएटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के पार्ट टू का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट टू का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व यानी कि ट्रेस एलिमेंट है। तो चार ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा सेलेनियम। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, दोबारा से इसको डिस्कस कर लिया है, पिछले में किया था, सेलेनियम याद रखना है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बसा में घुलनशील विटामिन है। तो बसा में घुलनशील कौन सा है, विटामिन के, बसा में घुलनशील है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। ठीक है, तो इसमें कृषि पद्धतियों का सही क्रम है, सबसे पहले तो हम मिट्टी की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद बोनी करते हैं, फिर फसल उगाती है तो सिंचाई करते हैं और निराई गुड़ाई करते हैं और लास्ट में कटाई करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगले हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है। ठीक है, जिंक फॉस्फेट केमिकल होता है, नीम का अर्क, नीला तांबा और क्लोरोपाइरीफॉस, तो ये सब केमिकल है। तो नीम एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एक कार्बनिक कीटनाशक है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूछा है तो यूरिया केमिकल होता है, पीट, सुपरफॉस्फेट और एमओपी, तो राइट आंसर है इसका पीट, ये कार्बनिक उर्वरक होता है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा एक अकार्बनिक पोषक तत्व है। अकार्बनिक पूछा है तो इसमें अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक, तो इसमें कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सेल्युलोज, विटामिन, ये सब कार्बनिक होते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह लघु दिवसीय पौधे होते हैं। देखो इसकी क्या है कि जब शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट की बात करेगा वो, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट की, तो जितनी भी रबी क्रॉप्स होती हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ही कहलाती हैं। ठीक है, और जितनी भी खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहलाती हैं। तो ठीक है, जैसे सोयाबीन, गेहूँ और बाजरा जो है ये है, वैसे तो याद रखने की ट्रिक यही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गेहूँ, सोयाबीन और बाजरा, सही बता रहा था मैं, सॉरी मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था, गेहूँ, सरसों और चना, यानी कि जो रबी क्रॉप है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन होती हैं और जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःसस्यकरण, मतलब कि इंटरकल्टीवेशन की बात कर रहा है इसमें, का उपकरण नहीं है। रोटरी वीडर आप कर सकते हैं, वुडन प्लाउ, स्मॉल ब्लेड हैरो ये भी कर सकते हैं, लेकिन सीड ड्रिल जो है वो बोनी के काम में आता है, गेहूँ की या फसल, किसी भी फसल की बोनी के काम में आता है, तो नहीं पूछ रहा है, तो ये छोटे छोटे रूप में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक साबित नहीं हुआ है। तो ये तो कोई भी बता देगा, सोडियम इसका राइट आंसर है, सोडियम किसी भी क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही उपयोग में लाया जाता है। अगला है, क्लोरोसिस पूछ रहा है तो किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, एमजी जिसको बोलते हैं। फिर है सिट्रस कैंकर, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है पीएटी का, सिट्रस कैंकर किससे होता है ये बड़ा पूछता है, तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। नींबू बरगी में सबसे बड़ी समस्या सिट्रस कैंकर की होती है, धब्बे लग जाते हैं, छितर जाता है। फिर है टेरेस बनाना, टेरेसिंग, तो ये जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, उनमें आप मिट्टी कटने से बचाने के लिए टेरेसिंग, मतलब कि सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, उसको बोलते हैं टेरेसिंग। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, किस रूप में लेते हैं, तो वो नाइट्रेट्स के रूप में ज़्यादातर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं पौधे। ठीक है, फिर अगला है कि फसल की वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति में प्रदान करने हेतु मृदा की यांत्रिक कार्य साधन, मैकेनिकल मैनिपुलेशन। देखो जब भी टर्म मैकेनिकल मैनिपुलेशन आए तो आपको टिलेज ही आंसर देना है, मतलब टिलेज की डेफिनेशन में आता है कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, दैट इज टिलेज, इतना याद रखना है। ठीक है, फिर अगला है, चावल के लिए जल की आवश्यकता का महत्वपूर्ण चरण है, तो बूटिंग स्टेज में भी चाहिए होता है, एक्टिव टिलरिंग और पेनिकल इनिशिएशन पे तो चाहिए ही रहता है, फ्लोरिंग पे भी रहता है, तो इस हिसाब से सभी जरूरत वाली स्टेज हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रोपण की षटकोणीय प्रणाली वर्गाकार विधि की अपेक्षा में कितने प्रतिशत ज़्यादा पौधे उसमें लगते हैं, समायोजित होती है, तो ये तो फेमस क्वेश्चन है पीएटी का, 15% एक्स्ट्रा
पौधे ज़्यादा लगते हैं हेक्सागोनल मेथड में। फिर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द अनडिजायरेबल प्लांट इज नोन एज, मतलब कि कोई अमांछनीय पौधे को हम खेत से या किसी भी एक प्लॉट से निकालने को उसको बीडिंग ही बोलेंगे हम, ठीक है, हिंदी में निड़ाई बोलते हैं। फिर अब ये पोल्ट्री का क्वेश्चन है, चिक यानी चूजा और ग्रोअर शेड। ग्रोअर शेड का मतलब क्या होता है, रुको मैं समझा देता हूँ इसको। ग्रोअर सेट का मतलब होता है कि जहाँ पर क्या है कि चूजा जो होता है वो अंडे से निकलता है, तो जहाँ पर अंडे पक रहे होते हैं उसको ग्रोअर सेट बोलते हैं। जहाँ पर अंडे से चूजा निकल के शेड में पहुँच जाता है उसको ग्रोअर सेट बोलते हैं, और जहाँ पर चिक्स रहते हैं उसको हैचरी सेट बोलते हैं, हैचर सेट बोलते हैं, उल्टा बोल दिया था मैंने। तो ग्रोअर का मतलब बढ़ना, इसलिए उनको ग्रोअर शेड बोल रहे हैं। और चिक्स यानी कि यहाँ पे चूजा अंडे से निकल रहा है तो उनकी दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 50 फीट तो होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो मवेशी होते हैं, जो कैटल होते हैं, उनमें जोहे रोग का विशिष्ट लक्षण क्या होता है, कि वो होता है दीर्घकालीन अतिसार होता है इसका राइट आंसर, कन्फ्यूज नहीं होना है, डायरिया अतिसार जिसको बोलते हैं, ठीक है, दस्त भी बोलते हैं हिंदी में। प्याज का सबसे विनाशकारी कीट जो है वो तो याद ही रखना है, थ्रिप्स है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो एल्बुमिन होती है परसेंटेज इन चिक्स एग में, मतलब कि जो अंडा होता है चिक्स का उसमें एल्बुमिन में अंडे की सफेदी का परसेंटेज कितना होता है, तो 58% होता है, ये आपको याद कर लेना है। अंडे से रिलेटेड पीएटी में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, प्रोटीन परसेंट कितना होता है अंडे में, सफेदी का, एल्बुमिन का, ये सब पूछता ही पूछता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, तैरने वाले जलीय खरपतवार निम्न में से किसके द्वारा काटे जाते हैं, तो वो चैनिंग्स द्वारा काटे जाते हैं, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। अगला है लैंगसन मुर्गी की नेक्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब कि ये क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, इससे भी एक मतलब जो हैन है या मुर्गी है, पोल्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है ब्रीड्स में, उससे भी एक से दो क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो है एशियाटिक क्लास में आती है ये लैंगसन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, दोमट मृदा में रेत, गाद और चिकनी का मतलब सैंड सिल्ट क्ले यानी कि SSC आप इसको याद रख सकते हैं, तो ये होता है 40-40-20 होता है, हाँ राइट आंसर 40-40-20 है। फिर आम का वनस्पतिक नाम दुनिया जानती है, मेंजीफेरा इंडिका। फिर है द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल, तो ये होती है सीरीज जिसको बोलते हैं हिंदी में सिंकड़ा बोलते हैं या श्रेणी बोलते हैं, ये होता है इसका राइट आंसर। अगला है केंद्रीय बारानी अनुसंधान सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यानी कि क्रीडा, क्रीडा याद रखना हैदराबाद में है, एक क्वेश्चन इससे भी आता ही है इंस्टीट्यूट से। फिर फलों के रस में कुल विलेय ठोस पदार्थों को मापने के लिए आप रेफ्रेक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। फिर अगला है दूध में अल्कोहल का अल्जेरिन परीक्षण जो होता है, जो टेस्ट होता है वो किसके लिए, तो उसकी अम्लता यानी कि एसिडिटी को मापने के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगला है अंडे के सेटर में इष्टतम कार्बन डाई का जो लेवल है वो 0.5% से ज़्यादा CO2 जो सेटर होता है, सेटर का मतलब होता है जहाँ पे अंडा टूट के उससे चूजा निकलता है उसको हम बोलते हैं सेटर, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी चाहिए होती है, तो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 0.5% एक एवरेज है। फिर औद्योगिक उपयोग के लिए एकत्रित पपीते में जो लेटेक्स निकलती है तो पपीते से जो निकलता है उसको पपेन बोलते हैं सीधा सा है। फिर दूध के घनत्व को ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो लैक्टोमीटर उसको हम बोलते हैं, दूध का घनत्व डेंसिटी जो देखते हैं दूध की। अगला है द स्टडी ऑफ फ्रूट ग्रोइंग साइंस नोन एज पोमोलॉजी यानी कि फल विज्ञान, मतलब फलों के उत्पादन या फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं, फल विज्ञान बोलते हैं। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव जो होता है, हाइल्डिंग वेराइटी ग्रो करना बिल्कुल, अर्ली मेच्योरिटी ये भी है, डिसीज फ्री ये भी, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है गुलाबों के लिए, ये भी पूछता है कि जो रोज़ है उसमें कौन सी मेथड करते हैं प्रोपागेशन, मतलब प्रोपागेशन से एक क्वेश्चन पीएटी में पक्का आता है, तो टी बडिंग फेमस है रोज़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक हिस्से पर एक वर्ष में या अधिक समय भीतर फसलों की पुनरावृत्ति को क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन ही उसको बोलेंगे, मतलब कि बार बार आप किसी भी फसल को रोटेट कर रहे हो, गेहूं के बाद सोयाबीन फिर गेहूं या कोई धान, तो क्रॉप रोटेशन वो कहलाता है। ये पार्ट वन में भी डिस्कस किया गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछता ही है एग्रोनॉमी से पूछता ही है। फिर ये विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से ये हीमोरेजिक डिसीज़ होती है, तो
हिमोरेजिक डिसीज विटामिन के से होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। भारत में प्याज और लहसुन अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या आप कौन कौन एरिया दे रखे हैं, तो ये पुणे में है। ठीक है, महाराष्ट्र में पुणे में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन डेयरी से है, पनीर में प्रोटीन परसेंट कितना होता है, तो पनीर में 25-30% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 22-26% आप राइट आंसर लगा देंगे। पनीर, पनीर से भी एक क्वेश्चन पीएटी में आता ही आता है। ठीक है, अगला है जून जुलाई से अक्टूबर तक की गई फसलों को क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप, जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ठीक है, तो खरीफ, रबी, जायद, इन सब की वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके पूरा कॉन्सेप्ट इसको समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के नाम से वो वीडियो है, लिंक भी उसकी डिस्क्रिप्शन में दी है। अगला है पौधों की पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो क्लोरोफिल होता है, जिसको हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। अगला है एक प्रक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल कार्बोहाइड्रेट में बदल होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व, बड़ी मात्रा में आवश्यक है यानी कि उनको मैक्रो बोलेंगे, और कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों को उनको बोलते हैं माइक्रो बोलते हैं, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। तो बड़ी मात्रा में तो माइक्रो पोषक तत्व कहलाएंगे। फिर है क्रॉपिंग प्रणाली, जिसमें वृक्षों के अंतराल में घास को बढ़ने दिया जाता है, घास को सॉड भी बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सॉड कल्चर। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, सबको पता है। फिर पूछा है सिस्ट नेमाटोड के लिए आलू की प्रतिरोधी एक किस्म है, आलू से भी एक क्वेश्चन पूछता है, चाहे वैरायटी का पूछ ले, चाहे सीड रेट का पूछ ले, चाहे फसल अंतरण का पूछ ले, तो ये पूछ रहा है सिस्ट नेमाटोड रेजिस्टेंस कौन सी वैरायटी है, तो कुफरी स्वर्णा नाम से एक वैरायटी आती है, जो कि सिस्ट नेमाटोड उसमें नहीं लगता है। ठीक है, अगला है बीजों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको याद कर लेना। पीएटी के अलावा ये BHU और ICAR में भी पूछा जाता है, तो ये जो फॉस्फोरस है वो इम्पोर्टेंट है सीड के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव है, माइट्स, मिलीपीड्स, ये तो सब आँख से दिखते हैं, जो बैक्टीरिया है वो आँख से नहीं दिखता है, तो राइट आंसर बैक्टीरिया है। फिर एगमार्क किससे संबंधित है, तो सभी जानते हैं एगमार्क का मतलब क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी को दर्शाता है एगमार्क, गुणवत्ता। एक अच्छी गुणवत्ता वाली जेली के उत्पादन हेतु आवश्यक फलों के आर्क में पेक्टिन की न्यूनतम मात्रा, पेक्टिन का लेवल पूछ रहा है, तो ये 0.5% से 1.5% के आसपास होता है, कहीं कहीं इसको एक मानते हैं, तो इस हिसाब से 0.5 से 1% इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, और ये PAT का एग्रीकल्चर पार्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। टंग ग्राफ्टिंग इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, किसका है टंग ग्राफ्टिंग, भिप का मॉडिफाइड रूप है, इसी को हम टंग बोलते हैं। भिप का मतलब भी देखो, भिप का मतलब भी जीप होता है और टंग का मतलब भी जीप होता है, तो उसी का मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्रीकल्चर वाले PAT वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी PAT की वीडियो मैंने बना रखी है, उनकी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। BHU, ICAR जितनी भी एग्रीकल्चर के बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, सबकी वीडियोज़ और सब एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और कोई आपको कोई बात पूछना है, कोई आपका टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो एग्रेरियन BHU है वो YouTube के साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और WhatsApp पे भी है, उन सब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पूरी देखने के लिए एक बार और धन्यवाद। जय हिंद।